हम फिजिकल एक्टिविटी कब छोड़ देते हैं? जब हम लाइफ को सिर्फ और सिर्फ बहुत ही नैरो कर देते हैं, गोल 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 गोल, काम 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 काम, पैसा 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 पैसा, बस। तो उस चक्कर में क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी हमारी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। दिन में 16-16 घंटे पागलों की तरह पढ़े चले जाते हैं। तो वो क्या रहा है, एक्चुअल में तो हम 16 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका आउटपुट देखोगे तो 4 घंटे का भी नहीं। करना क्या चाहिए, आपसे 8 घंटे पढ़ो, लेकिन उस 8 घंटे का आउटपुट 16 घंटे का होना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 घंटा, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी है। मस्ट, देखो अपने आप अच्छा फील होने लग जाएगा। होता है नहीं होता है, फिजिकली एक्टिव हो जाओ। और फिजिकली एक्टिव तब हो पाओगे जब डाइट ढंग की होगी। आप फिजिकली तो एक्टिव होना चाहते हो, डाइट बिल्कुल ही रद्दी है, तो क्या होगा, बॉडी धीरे धीरे साथ छोड़ेगी, यहाँ पे दर्दें आने लग जाएंगी, ये हो जाएगा। जब भी कोई लाइफ में दर्द आ रहा है किसी भी तरह का, मतलब बॉडी में कभी भी किसी भी तरह का कोई पेन आ रहा है, तो इमीडिएटली अलर्ट हो जाओ, उसको इग्नोर मत करो।